नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, चुनावी माहौल है और चुनावी सीजन चला हुआ, तो अब ऐसा मत लगा कि मैं जंगल में हूँ। जंगल में कौन हूँ, हूँ तो मैं मंगलमय। क्योंकि अगर छोटी बात करूँ, खाटू नगरी बात करूँ, या धारडू धाम की बात करूँ, या गांव की बात करूँ, वो इसी रोड से है और एक अलग ही सुहाना सुहाना मौसम नहीं आ रहा जा सके इस रोड के ऊपर। अगर हरियाली देखनी हो तो आप यहाँ की देख सकते हैं। और इससे आगे गांव है, गांव कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गांव होगा। अच्छा जी, अब 2 किलोमीटर दूर गांव से ये गांव भिवानी से आता शहर को, और ये उमराव से होता हुआ ढाडू गांव जाने का कोशिश, और आगे जाता होगा रोड ये आगे सावड़ो के दादरी में दाल जाता दे। है। लेकिन दुर्भाग्य देखें, अब इसी रोडों के अंदर कोई आदमी आए या ना आए, या साधन कुछ पड़े रड़े, पता नहीं जी क्या क्या हो सकता है। क्योंकि इस रोड की व्यवस्था पूरे की ऐसी ही देखी जा सकती है। अब वो गाड़ी आ रही है, अब देखना वो गाड़ी वाला किस तरह से वो निकलेगा और किस तरह से वो गाड़ी निकालने का काम करेगा। ये चुनावी माहौल है। दे भाई, यो भी पूरा स्टंटबाज था। गाड़ी भी थोड़ी साइड में लगा रहे थे यार, हाँ, तो शांत का टाइम हो रहा है। त्रिगाड़ी साइड में वाले भैया, शांत का टाइम हो रहा है। साइड पड़े थे लिए यहाँ डॉक्टर के साहब। करीब कराओ जी, ये ना कमरा बना रहा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो चले जावांगे। लेकिन यह है कि चुनावी माहौल है, तो गांव में सर्वे कर दूंगा और दिखाने का काम करो कि अब की बार का एमएलए सरकार कैसे चुनेंगे आप लोग। ए लगातार तीसरी बार तो यहाँ से आपका भाजपा से सांसद बने, साहब एमएलए बने हैं, और लगातार तीसरी बार की योजना के आपके माननीय घनश्याम दास सराफ जी हैं, है? और माननीय सारा सौदा इस हल्के में है। लेकिन नमस्ते, कैसे हैं? एक मिनट प्लीज लगाओ साइड में, एक मिनट लगाओ। मेरी भी न्यूज़ बन बड़ी, जाओगे क्या? हाँ, सबकी न्यूज बनेगी। तो जी, यहाँ पे सारा सिस्टम भाजपा से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, काम के अंदर हम समझौता नहीं करूँगा, चाहे कोई करवाओ चाहे ना करवाओ। बस यह है कि है तो वास्तविकता है। अब वास्तविकता को मैं ना तो मैं ठुकरा सकूँ, ठीक ना है, कोई जो और बंदा ठुकरा सके, यानी वो तो वो बात हो जाएगी आंखों के आगे मक्खी खाने वाली बात, सच्चाई हो सामने है। सच्चाई सामने है। एक मिनट रोको प्लीज, तेल तो महंगा हो और हवा सस्ता ही है। रोको मेरे भाई, नमस्कार। जी, पहले जीएनसी का मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा एक नाम मिनट, 2 मिनट की बोलूंगा, एक मिनट बैठा करो। कोई नहीं, कोई नहीं, एक चलो मिनट भाई, इन्होंने धार कार्ड ने, धार कार्ड वाले से धाडू से है हैं, तो ना निवाणी पे। हाँ, दुआने शहर था यहाँ, तो जो आए हो जो क्या व्यवस्था मानो इसकी, ठीक रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है सर। नहीं है? लेकिन तीसरी बार का एमएलए बना रखा है, तीसरी बार एमपी बना दिया, फिर भी रोड की व्यवस्था कौन सुधरी? और भाजपा का है कि जगमग गांव, पता नहीं कि क्या गांव, 24 घंटे लाइट हरियाणा में। एक होल्डिंग लगा हुआ, पेट्रोल पंप पे दिखाने का काम करूंगा, आप पोस्टर लेके देख लेना। क्या मानते हैं? देखो जी, हर जगह तो बराबर कोनी कर सके ना, लेकिन सरकार की तरफ से तो हमार ये नहीं कहूंगा ना कि भाई गलत काम से। अधिकारियों तो तरफ तो है, अधिकारियां है कि गलती है या सरकार की गलती, हम नहीं माना। क्योंकि सरकार की गलती हो तो और कितना रोड भी तो मान लो टूटा डा मिले, तकरीबन रोड आई कंडीशन ठीक से भाई, इसको नंबर इससे कौन पड़े है ना भाई, मान लो इससे किस गांव, वजह से नहीं पड़े इससे है। गांव के सांप लड़ रहे हैं, वो कहावत है। इससे गांव के लोग के सांप लड़ रहे हैं, उन के बोलने के बाद हमारा क्या है, जो आड़े की व्यवस्था यह है। कि मैं गांव की व्यवस्था होगी कि मैं भाई मान कसूरवार ये लोग हैं रोड तो यही बनना अभी, भाई क्योंकि चारों तरफ कोई वही है। बिना रोए थोड़ी बनवाओ, रो कौन का गांव वाला है रोऊंगा, और तो जिसका तो दिक्कत एमपी होगी। एमपी चुनाव में नेता को वोट मांगना आए होंगे, नेता तो वोट मांगने को काम से, नेता को तो नेता श्याम ही आप ही कहवाऊंगा जितने तो नेता काम तो करवा। अपने मन में क्या बस रहा है, आपके वोट आ गए फिर किसके एमएलए के? भाई एमएलए का तो वोट आ गया तो वो तो बन गए हो। तो बनाओगे चौथी बार बनाओगे किसी और ने बनाओगे क्या बनाओगे? नहीं, वो तो समय बताओगे। लू ना भाई, समय की बताओगे तो भाई बताओगे। हाँ, ये तो भाई बताओगे, क्या नाम है? सुभाष। सुभाष है तो क्या करेगा सुभाष? हमारा रिटायरमेंट से भाई सपोर्ट। अच्छा, वो से वो जैसे वैसे भी झूठ को बोला यार, तो बस तो फिर तो बताओ फिर क्या बनाओ, क्या माहौल बना है चुनाव का? चुनाव का माहौल के बारे में तो जी क्या बताऊं, फिर भी ना कोई माहौल बनाया को नहीं है नहीं पकड़ तो कोई अब नेता पसंद आया को नहीं आया ना? नेता तो पसंद से वो तो, लेकिन टाइम बताओ कौन सब पसंद आया इब्बे तो दुनिया कांग्रेस के गेल हो रही है। कांग्रेस गेल हो रही है, भाजपा की बुराई सुना, कांग्रेस गेल हो रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, चुनाव का टाइम आ गया। हाँ जी सर। तो आप कहाँ से, आप कहाँ से हैं? सर मैं भिवानी से, और मेरा गांव धारेडू है। तो आप सेक्टर से ना? हाँ जी, सेक्टर 13 से हूँ जी। हाँ, सेक्टर 13 से है जी। तो यू आपने बुझू
सारा सेक्टर सुना है या रोड की व्यवस्था सुनी है, तो हम तो किमें बताएंगे पाओगे। देखो जी सेक्टर तो ये लगा लो 26 साल हो रहते हुए 26 साल से ही खराब है, उससे तो ये गांव बहुत अच्छा ही है फिलहाल। अच्छा है गांव की सड़कें तो अच्छी होनी। हाँ अब देखो ये चारों तरफ रोड बनने जा रहे हैं अभी तो फिलहाल ही। जनता क्या सोचे सोचेगी क्या वोट डालने का काम होगा? देखो वोट तो पहले भी डाले थे अब भी डालने ही पड़ेंगे। वोट डालना चाहिए। हाँ वोट तो देखो अधिकार है, मत का अधिकार सबको करना चाहिए। अच्छे नेता को डालने जाएगा या फिर से आग मिच के पट्टी बांध के वोट डाल देगा? अच्छा वो काम दिखे, जनता जागरूक हो और अपने मत का अधिकार प्रयोग करे और अच्छा ही काम करके दिखाए जो भी सरकार है। तो आज की सरकार में किसका अच्छा काम लगा है? देखो तो आपको दिख ही रहा है कोई इतना वो तो है नहीं, कोई अच्छा सर्वे देखा जाए तो कोई खास वो नहीं रोडों का। तो नेता बदलना पड़ेगा या पार्टी बदलनी पड़ेगी, किस होता बदलना पड़ेगा? देखो अजय जी पार्टी तो आपके सामने ही है बीजेपी और बाकी कांग्रेस का जोर अब की बार। अच्छा। हम भी कांग्रेस के साथ अभिजीत है। अच्छा। जो युवा है हमारे गांव के उनके साथ बहुत ही जुड़ रहे हैं और मैं भी युवा के साथ ही जुड़ रहा हूँ। इसमें बात है अभिजीत किया किसी और नेता की तो है ही कोई नहीं, लेकिन आपने मुझे पसंद होते साहब तो धन्यवाद होगा। क्या नाम होगा? हिमांशु दैया। हिमांशु दैया साहब तो आज मौसम वास्तव में निहारन चुका है, चाहे पिपल के पत्ते हिलते हुए दिखा दे भैया, और एक वास्तव में एक मजा आने से समय का अनुभव मैं कर सकूं। अभी इधर मनोज समय का तो अनुभव तय भी कर लेगा। किसा समय आ रहा है, किसा मौसम लगा? अच्छा मौसम तो गजब ला दिया ना, गजब ला दिया। अब मेरा सारथी ये है जी, क्या नाम है? मनोज। मनोज कुमार नमस्ते। राम राम। नू कु एकदम बात करता हो एक डटो, बारिश क्या ही है तो मैं रोड को पकड़ा चला, फुटा रोड है। अब लोग आऊंगे उनसे पूछना काम करूंगा कि गीत तो हर को गा देगा, लेकिन मेरा काम गीत गाने का नहीं है, मेरा काम तो वास्तुता दिखाने का है। ट्रैक्टर वाला आया है रोकने का काम करूंगा। अब किसान है कौन है कमेरा है के है बुझूंगा। राम राम। गलत है तेल महंगा रह गई, तेल तो सस्ता हो गया। हाँ सस्ता करोगे सरकार बहुत बढ़िया है हो और आसो भी हो चार बजे उठ के मेहनत करके आवे है, खेता में जावे है, सांझना निकला क्या रहता है और बुरा मत मानना। आजकल सारे फोन नंबर ज्यादा बिजी रहने लगे, जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री की बात थी बातें और बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी वाली बात थी, तो वो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि नमस्कार ढाडू से है तो सड़ जाए कहा जाए मकान है। तो सर आज चुनाव की तैयारी हो गई, तो क्या व्यवस्था देख रहे हैं सरकार की एमएलए की किस प्रकार की? एमएलए सरकार तो कांग्रेस की आएगी। क्यों क्यों क्या भाजपा लोग सके नहीं सर? वो अभी दो मिनट मैंने बात की पहले बात की तो उन्होंने कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है, हमारा राम मंदिर बनवाया है। मैं किसको दी बताओ? ये लोग क्या कहेंगे जी? अभी किसको दी? क्या किसको दी बिना पर्ची खर्ची नौकरी जो लगे ही हुआ डी ग्रुप भर्ती है? नहीं कुछ ना, ये सब करने की बात। अच्छा मैं खुद एडवांस मुझे पता है ना। अच्छा 3-3 लाख रुपए लेकर के एसकेआर में लगा रहे हैं। अब 3-3 लाख रुपए लेते हैं? हां 3-3 लाख लेके। नहीं जीरो टॉलरेंस की बात करते सरकार तो वो तो सर आप पत्रकार आपको पता है, मैं भी पत्रकार हूं, नहीं सब इसमें
क्या बोलते हैं 1990 में हत्या में सभी देता था। अच्छा सर, अब तो गोदी मीडिया नाम मिट गया। मैंने बीजेएमसी कर रखी है स्टूडेंट में रोहतक का 89 का। फिर मैं अब हालात को देखते हो सरकार बदलने जा रही है? सरकार बदलेगी पक्का। कितने शोर है आपकी बात से? पक्का बदलेगी, देख पक्का। हाँ सर, पक्का बदलने लगी रीजन कुछ बता सकते हैं? इसलिए सरकार बदलने का काम करेगा हरियाणा। कारण ये आप देखते को नहीं, आप इतनी महंगाई हो रही, एक महंगाई का मुद्दा से बेरोजगारी, महंगाई जी, बिजली का कोई वो नहीं ना, को पानी की, पानी ये भी रोड देख रहे हो हमारा, ये 2-2-14 बनाया था, इसमें 13-14 क्या हो रहा है देख रहे हो आप, यहाँ पर पता नहीं आ सकता। साउंड का रोड 20 साल में तैयार हुआ है, वो भी अभी कच्चा है। अच्छा, इसलिए सरकार बदलेंगे? नहीं, हमारा काम से नहीं बदली जाएगी, आप सब बदलोगे, बदलाव आएगा। हम तो आपको भी वोट दिया तो भी बदलेगी ना? नहीं, हम तो देखो हमने तो अपना बनवाना पड़ता है, मेरा लास्ट वो है। अच्छा, उसके बाद अगर टाइम हो तो संदीप सर नमस्कार, कैसे है? 2 मिनट प्लीज, साइड में लगाओ गाड़ी आपकी, रोड के ना रोड के बीचों गाड़ी है, प्लीज 2 मिनट की बात करेंगे प्लीज। जब भी पूछने आया आपसे सर सरकार बदलने के ये कारण है? सरकार जी कारण तो बहुत से, नाम बताओ आपने, पता है आपको बार बार मुख्यमंत्री साहब नो स्टॉप रहना काम कर रहा, और एमएलए साहब चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान के हैं, तीसरी बार एमपी बने हैं, घनश्याम हमारा गांव में आता है, एक पैसा लगा हो किस चीज का, कुछ भी करा होता, कोई नौकरी लगवाया होता है, शंकर दास टाइम में 10-12 बच्चे लगे थे। अच्छा, ना कदे बंसा ना कोई आदमी लगाया, कांग्रेस का बंसा ये काम तो अचुता रहा है। हाँ, इस गांव में कोई फायदा नहीं उठा रहा, कोई फायदा नहीं उठाया तो किसी भी राजनीति, कोई फायदा उठाया, कोई फायदा उठाया को नहीं, उठाया को नहीं, वही बात है, बंसीलाल सरकार हटती पहले। चलो जी, तो आपकी सरकार बदलने जा रही, सरकार बदलेगी। चलो जी, बहन जी नमस्ते, बोलूंगा हम सरकार बदलेंगे, और महिलाओं कितना मान सम्मान देती है भाजपा ने, नाटके भाई। तो आज नीचा हूँ प्लीज प्रधान जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बीडीसी अरुण कुमार सपुत्र श्री ओम प्रकाश दिया जी, आप इसे बीडीसी? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, तो भाई साहब क्या कहेंगे, वैसे दीवार आज कल आपने वो तो होल्डिंग वोल्डिंग पेंट था वहाँ पर लोगों कराई हुई है, अच्छी लगती है, अगर थोड़ी सी और सफाई हो जाए काम की तो वो पेंटिंग चार चांद लगा देगा। लग रहे हैं सर, उसके लिए भी लग रहे हैं, और वो पानी की टंकी वगैरह रखवाई है गांव में, तीनों गांव में। जैसे क्या क्या करवाया बीडीसी बनने बाद में? यही बस, एक तो पेंडिंग करवाई है। अच्छा, और जी पानी की टंकी रखवाई है। कितने महीनों का बने हुए? 2 साल के लगभग। 2 साल, 2 साल में पानी टंकी बनी हो रही है। सर कारण क्या है कि सरकार सड़क सड़क के काम कर रही है? हाँ जी हाँ जी, सरकार को दे नहीं रही ना कुछ भी, और बीडीसी को तो वैसे कुछ नहीं दे रखा। अच्छा, कुछ भी बोलते हैं हम तो, बोलते हैं कि आपके क्राइटेरिया से बाहर है, यानी बीडीसी बोलते वक्त पेटा भरता बंदे का, बीडीसी मेंबर हो है। हाँ, लेकिन सरकार ने दिया कुछ नहीं, वन बना दिए थानेदार और पावर को नहीं, होमगार्ड के जितने भी जी। हाँ जी, तो अब की बात सरकार का क्या माहौल बनेगा चुनाव का? कुछ भी काम के लिए अगर जाते हैं तो बोलें कि आपके क्राइटेरिया में ये काम नहीं है। अच्छा, चुप तो कर, घर पर बैठ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो जी, तो डिग्री मिली हुई है बीडीसी की? हाँ, 5 साल के लिए ना? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए वो डिग्री मिलेगी, 5 साल की। अब बीडीसी साहब को आओगे रोड देख ले अपने, कहीं भी कहीं कुछ नहीं है ना आने के लिए रास्ता। अब की सरकार का क्या मन बनेगा, किस प्रकार की सरकार बनेगी भाजपा की? सरकार तो सर कांग्रेस की बनेगी। क्यों क्यों भाजपा से तो 10 साल तो हो लिए, क्या करवा दिया ये तो देखो आप। अच्छा हाँ जी, घना विकास करवा दिया? हाँ, बहुत ज्यादा करवा दिया। अब नए वाले को देखेंगे ना। चलो जी, तो यहाँ पे घना विकास करवा दिया, अब दारू से ही है? हाँ जी दारू, यानी वो तो दारू का रोड पर व्यवस्था खराब है। तो ये देखो ना, ये बीजेपी की देन है जी, बीजेपी की देन। हाँ जी हाँ जी, चलो अब यह बीजेपी दिन है, और बीडीसी अरुण कुमार ने बताया कि 2 काम कराए 2 साल में, तो वो दीवारों को पेंट करवाई है और एक पानी की पानी टंकी करवाई है, बाकी कुछ नहीं। चलो जी, ये व्यवस्था थी, लेकिन हरियाणा के अंदर सैनी साहब की सरकार की बात करूँ तो नॉन स्टॉप काम कर रही, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, लेकिन तो आपको 24 घंटे लाइट मिलती है क्या? अगर वो वैसे कोई फॉल्ट आ जाता है तो लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है सर, अभी 2 महीने पानी आता अभी। अच्छा, जो सप्लाई वाला पानी है 2 महीने पूरा आता, 2 महीने बाद आता। चलो जी, यानी बहुत सूत्र है, परलम कहानी है। हाँ जी हाँ जी, है कहानी है। तो ये व्यवस्था जी दाडू गांव की, अब वो अड्डा बहू को नहीं, मैं कहाँ पकड़ा हूँ, एरिया कौन सा एरिया है अपना? ये सर सीम लगा दी उसके तार, और सीम पकड़ा हूँ, तो सीम मैं खड़ा हूँ पचास का भैया,
तो ताजा बारिश आई थी। तो ये माहौल है जी, लोगों की जनता के विचार है। अब आगे जाऊंगा और आगे मिल गए तो उनसे भी, हाँ गांव में देखेंगे सर, अब मैं गांव में जाके विकास और ध्यान का काम करूंगा।